प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा के अवसर पर गंगा यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई। सर्दी और कोहरे पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ रही है। पास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्णिमा का स्नान सुबह से ही शुरू हो गया है। पौष पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने लिए मोक्ष की कामना करते हैं। माघ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है, जिसकी विशेषता कल्पवास है। श्रद्धालु यहां एक महीने तक रहकर स्नान, दान, जप, सत्संग करते हैं। इसके लिए गंगा के किनारे अस्थाई टेंट बनाए गए हैं। प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। सर्दी और कोहरे पर श्रद्धालु की आस्था भारी पड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ मेले को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। न्यूज स्टेट संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने जायजा लिया। स्नान पर्व पर प्रयागराज के संगम में श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला लगातार जारी है और भीषण कोहरे और ठंड के बावजूद जो आस्था है वो यहाँ पर दिखाई देती है कि उस पर मौसम का भी असर नहीं है। और जिस तरह से शीतलहरी चल रही है, धुंध और कोहरे की चादर पूरे संगम क्षेत्र पर देखी जा सकती है, बावजूद इसके तमाम जिलों से, तमाम शहरों और राज्यों से जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम लोग लगातार स्नान भी कर रहे हैं। तो जिस तरह की तस्वीर संगम और संगम क्षेत्र में देखने को मिल रही है वो बेहद खूबसूरत है, बेहद विहंगम है ये दृश्य। जिस तरह से घने कोहरे की चादर के बीच यहाँ पर स्नान चल रहा है और आज से ही पौष पूर्णिमा के स्नान से के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हो रही है। आज से 18 फरवरी तक महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक माघ मेला चलता रहेगा और अनुमान है प्रशासन का कि 6 करोड़ के आसपास लोग इस माघ मेले में पहुंचेंगे, जिनके लिए व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। देखिए, हम संगम के घाट पर हैं, यहाँ पर डीप वाटर बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि श्रद्धालु गहरे पानी में ना जाएं स्नान करने हैं। तो देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। मौसम की मार के बावजूद आस्था में कमी नहीं दिखाई दे रही। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।